सुहागना का त्यौहार करवा चौथ वर्त 1 नवंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसन वेखते हुए महिलावान जम के खरीदारी कर रही ने। इस वक्त असं एक दुकान के मौजूद हैगे हैं, तुसी देख सकते हो तस्वीर के किस तरह जी कि महिलावान जी है सत संगार खरीदने वास्ते दुकान पहुंचिया है, वख वख तरह शॉपिंग कर रही है, चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, चूड़े खरीद रहे हैं, लिपस्टिक खरीद रहे हैं, होर समान जोड़ा भी इस महिलावा करवा चौथ दिन तैयार होंगी है वो सारा समान इतने खरीदया जा रहा है। एक छत के थले सारा समान मिलता है, तो साढ़े को कुछ महिलावान है गलबात करने की कोशिश भी करते हैं। हाँ जी, की कहना चाहोगे करवा चौथ का वर्त आ रहा है जी, तुम शॉपिंग कर रहे हैं हो कि कुछ खरीद रहे हो, की कहना बारे? असी करवा चौथ की शॉपिंग करना है, असी यही सुहागना का वर्त हों, चूड़िया वगैरह लिपस्टिक मेकअप का समान असी हर साल इस दुकान से ही आने, तो बहुत वधिया मिलता है, इन्हें डीलिंग बहुत वधिया, समान बहुत वधिया होंगे, तो इस खुशी खुशी यह त्यौहार मनाया जाता है। सारे बड़े वधिया शॉपिंग तरीके करते, अपने अपने कोई ड्रेसिस खरीदता है, कोई लिपस्टिक खरीदता है, कोई चूड़िया नाल दी ड्रेसिस दे नाल, बहुत वधिया लगता सर इत्थे। अच्छा, तुसी कहना भी समान खरीदने वास्ते आए हो, करवा चौथ वर्त वाले दिन हरेक महिलावा कहती मैं सुंदर देखा एक दूजी लेडीज तो उसको देख दो कि खास की तुसी खरीद करो भी तुसी भी सुंदर देखो, बस यही होंगे भी वो वधिया तो वधिया सूट लीए, वधिया तो वधिया मेकअप का समान लीए, सारे एक दूसरे देख के आए होंगे भी वो ज़्यादा वधिया पाया तो असं भी वधिया लीए, तो इस तरह असं कुछ ना कुछ नवा इतने लैन लिये हर साल आते हैं। अच्छा, खरीद लिया समान जी? हाँ जी, थोड़ा बहुत रह गया तो कुछ खरीद लिया। साढ़े को होर भी महिलावान गलबात करते हैं। हाँ जी, की कहना चाहूँ जिस तरह करवा चौथ का वर्त आ रहा है, तुम समान खरीद रहे हो, किस तरह शॉपिंग कर रहे हो, की कहना बारे? करवा चौथ वैसे तो साल च एक बार आता, बड़ा मतलब कि इंजॉयमेंट भी होंगी है, ये किटी पार्टी वगैरह भी करते हैं, पर यह सुहागना लिए है, तो इस करके सारा शॉपिंग है जी करवा चौथ से स्पैशल की जाती है। हाँ। जिसे चूड़ियाँ जिमें सू चाहिए जो भी चीज़ चाहिए, बिंदियाँ सुहाग का समान चाहिए, वो सानू अज के दिन खास करके जाने की करवा चौथ से स्पैशल खरीदारी की जाती है, तो ये इंजॉय भी करते हैं। तो हूँ इस टाइम में मतलब कि इस दुकान से वैसे फर्स्ट टाइम आई है, तो पर दूसरी महिला तो मैं सुंदर दिखा उस देखते खास की समान खरीद रहे हो भी तुम भी सुंदर खास कुछ नहीं, मैं ज्यादातर सूट भी सूट होया जिवें अपनी ड्रेसिज वी ज्यादा ध्यान दिता जाता है, मेहंदी ड्रेसिज ते चुन्नी चूड़ियाँ बस, ज़्यादा मेकअप वगैरह असं करते नहीं है, मतलब कि अपना जिवें रूटीन के रहने उस टाइप ही रही, पर एवें भी अज करवा चौथ के उत्ते एवं थोड़ा स्पैशल तैयार हो जाएगा, वो मैं चूड़ियाँ सूट सुहाग का सारा समान सत संगार होंगे वो सारा खरीद रहे हो? सारा कुछ खरीद रहे, सारा खरीद रहे हो, सारा। अच्छा, ये जो त्यौहार जो है पति की लंबी उम्र वास्ते रखा जाता है, एक सुहागन पूरे दिन कुछ खाँदी भी भुखे भी रहना पैदा, फिर किमें तुम व्यतीत करते हो जाता थोड़ा? हाँ, तकरीबन निकल ही जाता क्योंकि सर्दियों में वैसे भी सर्दियों से आंदा करवा चौथ का त्यौहार, तो दिन छोटे होंगे है, सुबह मतलब कि सरगी की जाती हैगी है, पूरा दिन निकल ही जाता है क्योंकि गप्पा गुप्पा मार लेंगे, कहानी सुनते हैं, किटी पार्टी वगैरह होंगी है, बस उधर चले जाने, शाम पता ही नहीं लगता किहड़े वेले होगी, फिर रात को बस अपना 8 बजे तक तो वैसे आम भी रूटीन होंगे, 8 बजे तक वैसे खाना खा ही लेता है, पर एवं 10-15 मिनट ना कोई फर्क नहीं पड़ता, साल च एक बार रखना होंगे कहना, रोज रोज रखना होंगे, आपके पति की लंबी उम्र लिए रखा जाता है कहना, कोई होर है। सही है, सही है। अच्छा, पूरा तुम अपना शॉपिंग पूरी कर रहे हो? पूरी शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, सब तो सुंदर तुम देखोगे उस दिन? ये हूँ पति देव ही दसनगे। ठीक है, तुम देख सकते हो किस तरह महिलावान जी है खुशी खुशी आपका समान खरीदियाँ, तो होर भी इतने महिलावान देखने को मिल रही हैं। अच्छा, गलबात करने की कोशिश करते हैं, बेटा करवा चौथ का वर्त आ रहा है, तो तुम शॉपिंग करने वास्ते आए हैं हो, किस तरह की शॉपिंग कर रहे हो, की कहना बारे? बस सारा तो लाइक मेरा पहला है इस बार, तो करके मतलब आई चूड़िया वगैरह शगन का समान लेने आ रहे हैं बस जी, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वैरायटी मिल रही है, रेट भी थोड़ा सा ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो करवा चौथ का वर्त है जी, हरेक महिलावा हरेक लड़की चाहती हैगी कि मैं सुंदर दिखा उस दिन, वो तो वह मेकअप करा, वो तो मेकअप का समान खरीदा, तुम खास दिखाने वास्ते की खरीद रहे हो? एवं कह देखो, सुंदर तो हर एक ही होंगे, ठीक है ना, अपने आप को बस अंदरों ही रखे, आप बाहरों कि वो कर लेंगे उपरों लगा लगा के, बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं ले रही, मैं सिर्फ जो नीडेड है सिर्फ चूड़ियाँ तो लिपस्टिक या बस होना, मैं बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती, नॉर्मल तुम हम भी देख रहे हो, मैं सिर्फ एक लिप ग्लॉस लाया, और कुछ नहीं लाया हुआ। चलो, मेकअप ज़्यादा नहीं करते, घट समय खरीद रहे हो,
ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਇਸ ਵਕਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾਲ? ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਸੋਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਨੂਅਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਰੇ? ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਸ 'ਚ ਮੇਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੂੜੀ ਬੈਟਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਪ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਏਡੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਈਟਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਇਲ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ 99% ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 99% ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੀਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਅੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੀਆਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੋਲਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਵੈਲਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੁਨਾਰ ਵੀ ਚਕਮਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ 200-400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਧੀਆ ਚੂੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2000 'ਚ 1000 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕੁਛ ਕਰਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।